Hello guys, welcome to our channel. So today we are going to start new topic, new video of class 10 resource and development, class 10. So let's get started with the video. पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एरिड्स के कलर कौन से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, सॉल्ट कैसे ऑब्टेन किया जाता है, सलाइनेचर कैसे होता है, सैंडिनेचर कैसे होता है, ये सब हमने पिछली वीडियो यानी एरिड सॉइल की वीडियो में बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फॉरेस्ट सॉइल। ये हमारी लास्ट सॉइल है, इसके बाद हम कर लेंगे सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको फॉरेस्ट सॉइल का, जैसे कि आपने कलर पढ़े थे, मैंने बोला था कि कलर के दिमाग पर आपके अटकता है, ऐसे फॉरेस्ट सॉइल का आपके दिमाग में शायद अटकता हो या आता हो आपके दिमाग में कि क्या इसका कोई दूसरा नेम है। जी हाँ, बिल्कुल है, इसका दूसरा नेम है माउंटेन सॉइल। दूसरा नेम क्या है? माउंटेन सॉइल यानी पहाड़ों वाली मिट्टी। ठीक है, इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? माउंटेन सॉइल। नेक्स्ट आपकी फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? जो फॉरेस्ट सॉइल है या माउंटेन सॉइल, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये भी आपको बता देते हैं। और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि मैकेनिकल विदरिंग, जब बहुत सारे इरोजन हो। मैकेनिकल विदरिंग का मतलब क्या होता है? जहां तो इरोजन होना, यानी ऐसे अगर रॉक्स की बात करें, अगर वो घिस घिस कर मिट्टी बना रहे हैं तब भी इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। और जहां हो सकती है कि जब इसका इकट्ठा हो रहा है, समझ आई, जहां तो इसकी इरोजन हो रही है और जहां इसकी कलेक्शन हो रही है तब होती है इसकी फॉरेस्ट सॉइल की फॉर्मेशन। अगर इरोजन होगी तो किससे होगी? स्नो से होगी, रेन से होगी, टेम्परेचर से होगी, इसके कारण क्या होगा? इरोजन भी होगी और कलेक्शन के कारण क्या होगा? फॉरेस्ट सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है। फॉर्मेशन भी क्लियर है। नेक्स्ट आपकी लोकेशन। लोकेशन क्या है फॉरेस्ट सॉइल की? जैसे यहाँ पे छोटा सा इंडिया का बनाकर बता दूं, जैसे कि यहाँ पे जम्मू से स्टार्ट होते हैं, जल्दी 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 ऐसे ऐसे जाता है, यहाँ से लेकर कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये फॉरेस्ट सॉइल जो है पाई जाती है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये जो फॉरेस्ट सॉइल है ये पाई जाती है। देखो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से जम्मू है, यहाँ से जाकर अरुणाचल प्रदेश तक ये फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। बस वैली वाले रीजन में लोमियोसिटी में आपको बताता हूँ, लास्ट में बताता हूँ, पहले आपको बता दूँ कि इसके आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपको वन मार्क सिस्टम मिलेगा कि इसका दूसरा नेम क्या है, फॉर्मेशन का वन मार्क्स मिल जाएगा, लोकेशन का वन मार्क्स मिल जाएगा और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का वन मार्क्स मिल जाएगा। और जो आपको लास्ट वाला पॉइंट बताने लगा हूँ कि लोमियोसिटी यहाँ पर वैली वाली साइड पे क्यों है, बाकी जगह पे फर्टाइल क्यों नहीं है, वो भी आपको बताता हूँ। और आपको लास्ट वाला मेन पॉइंट, इस लास्ट वाले पॉइंट से बताने से पहले लास्ट पॉइंट जो है वो है कि मोस्टली ये हिमालय में पाई जाती है। हिमालय जहां जहां तक जाते हैं वहां वहां फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है या माउंटेन सॉइल जो पाई जाती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये लोमी और सिटी वैली साइड में क्यों है, बाकी में क्यों नहीं है। ठीक है, इसको पहले इरेज कर देते हैं, इसको इरेज करके मुझे जिससे लिखते क्या कि जैसे यही पहाड़ है माउंटेन, हमें पता है माउंटेन हिमालय में पाई जाती है, मान लो ये दो पहाड़ इकट्ठे हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ये है हमारी वैली, ये भी पता है वैली रीजन, ये वाला जहाँ पे पहले से बन गया ये वाला। अब क्या होगा कि जब बारिश आएगी, स्नो पड़ेगी या कुछ भी होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो यहाँ के जो मिनरल्स हैं, यहाँ पे मिनरल्स हैं कि इधर पहुंच स्टार्ट हो जाएंगे, अगर बारिश आए तो भी ये सभी इस रीजन में इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे मिनरल्स खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनरल्स आ जाएंगे, इस ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, सिटी हो जाएगा, जिसके कारण होगा ये वाला एरिया जो है फर्टाइल होगा, बाकी सारा एरिया फर्टाइल नहीं होगा। क्लियर, एक बार फिर से एक बार देख लो क्या होता है, ये पहाड़ है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि मिनरल्स है, यहाँ पे मिनरल्स है। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है वैली वाला है, यहाँ पे पहले मिनरल होते हैं, जब रेन आती है, स्नो होती है, ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इरोजन क्रोजन होती है, कुछ भी, ये वाले मिनरल्स रेन के कारण नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, ये वाला एरिया क्या होता है, लोमी हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है, इसलिए जो है फॉरेस्ट सॉइल में ये वाला वैली वाला रीजन क्या होता है, लोमी और सिल्टी होता है। ठीक है,
ठीक है क्लियर। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जल्दी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।